Hello guys, welcome to my channel Learn On Tips. This is Kamini Sani. दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था HRM क्या होता है, Human Resource Management, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके बारे में जाना था और उसका हमने उसके पांच प्रोसेस थे. तो उसका फर्स्ट जो प्रोसेस था प्लानिंग, वो हमने अपनी इससे पहले वीडियो में कवर किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग. तो आज हम देखेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है और ये कितने पार्ट्स होते हैं इसके, स्टाफिंग के. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टाफिंग, पहले एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बता देती हूँ जो जनरली हम यूज़ करते हैं, क्या होती है. स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पोजिशंस. ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी. मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हायर करना, या जो उनको हायर करने का एक प्रोसेस होता है नॉर्मली, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं. ये एक जनरल टर्म्स में हम बोल देते हैं, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कौन सा डेफिनेशन लिखनी है, वो एक मैनेजमेंट टर्म्स में होती है. तो मैनेजमेंट टर्म्स में क्या है इसकी डेफिनेशन? इन मैनेजमेंट टर्म्स द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज बाई इवेलुएटिंग देयर स्किल्स नॉलेज एंड देन ऑफरिंग दैम स्पेसिफिक जॉब रोल अकॉर्डिंगली. मतलब मैनेजमेंट टर्म के अकॉर्डिंग स्टाफिंग एक वह प्रोसेस या ऑपरेशन है जिसमें कैंडिडेट्स को उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन के बेसिस पर हायर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोफाइल दी जाती है. स्टाफिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है. तो ये अगर आ जाती है तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्ज़ाम में. और स्टाफिंग के भी टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड वन इज़ सिलेक्शन. तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द रिक्वायर्ड वैकेंट पोजिशंस. ये मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दी है. बुक्स में आपको मल्टीपल डेफिनेशंस मिल जाएगी, तो जो आपको सही लगे, जो अच्छे से समझ में आए वो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में. लेकिन ये एक बहुत अच्छी एक इजी, जो इजी वर्ड्स में मैंने आपको डेफिनेशन दिया, तो आप ये भी लिख सकते हो. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वही है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सोर्सिंग की जाती है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनके जो रेज्यूम्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और जो वैकेंट पोजिशन या रिक्त पोजिशन होती है उस पर कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है. तो अभी पहले हम देखते हैं जो रिक्रूटिंग है उसका क्या सोर्स होता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग कौन कौन से हो सकते हैं. तो एक होता है इसमें इंटरनल, हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. सेकंड होता है इसमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, उसमें क्या होता है, जो आउटसाइडर सोर्स है उनका यूज़ करके रिक्रूटमेंट करते हैं. तो इंटर रिक्रूटमेंट में क्या होता है इसकी डेफिनेशन होती है. दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द पोटेंशियल टू फिल द वैकेंट पोजिशन. इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो पहले से वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, जो वैकेंट पोजिशन या खाली पोजिशन होती है उस पर. अगर हमको हायर लेवल के लिए रिक्रूटमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, जो पहले से वर्किंग जो हमारा कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन दे देते हैं और हायर पोजीशन पर उसको बैठा देते हैं. लेकिन हमें अगर डिमोशन करना होता है, हमें लोअर लेवल की पोजीशन देनी है, उसको शिफ्ट करना है, वो काम सही नहीं कर रहा है और हमें लगता है कि जो पोजीशन उसके पास है वो नहीं उसको हैंडल कर पा रहा है, उसको हम लोअर पोजीशन या लोअर प्रोफाइल देना चाहते हैं, तो उसका डिमोशन कर देते हैं और उसको शिफ्ट कर देते हैं या उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ पर. तो इसमें क्या होता है, बाहर से हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर देते हैं. जो सेकंड होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. दिस इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
to apply for vacant position in the organization. तो इसमें क्या होता है, हम बाहरी जो एजेंसीज होती है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, उनका यूज़ करके रिक्रूटमेंट करते हैं. तो एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं. एक होता है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में के थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. उस एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हम किसी को लोकल न्यूज़पेपर द्वारा या टीवी पर ऐड दे सकते हैं, या बाय एसएमएस द्वारा जो हमारे यहाँ पे हायरिंग चल रही है उसकी डिटेल जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं. तो एडवर्टाइजिंग एक अच्छा सोर्स होता है एक्सटर्नल का. सेकेंड होता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसमें क्या होता है, जो एमएनसीज कंपनी या टॉप या लार्ज कंपनीज होती है वो क्या करती है, कैंपस प्ले कराती है. जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है या बिजनेस कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर वो जाती है, ठीक है. तो वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है. तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का. नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ या फिर कंसल्टेंसी. हम कंसल्टेंसी और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट होता है हमारा रेफरल बाय करंट एम्प्लॉय. इसका मतलब होता है कि जो पहले से वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, जैसे कि मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं रेफरेंस दे सकती हूँ. अगर मेरा कोई रिलेटिव्स को जॉब की नीड है और मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो मैं जो रिलेटिव है उसका रेफरेंस दे सकती हूँ अपने एचआर टीम को. तो वो क्या करेंगे, उसको बुला लेंगे, ठीक है. उसका रेज्यूम मैं शेयर कर दूँगी, उसको बुलाएंगे, और अगर वो तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है. तो रेफरेंस भी चलता है कंपनी के अंदर. तो होता क्या है, इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास रिक्रूटमेंट आती है मैनेजर के पास, एचआर मैनेजर के पास, तो वो क्या करता है, जो उसकी टीम होती है पूरी, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट देता है अपनी टीम को. तो वो बाय वेबसाइट्स, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, naukri.com या लिंक्डइन के थ्रू वो सर्च करते हैं प्रोफाइल, और जो रिलेटेड प्रोफाइल होती है उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है. शॉर्टलिस्ट होने के बाद जब उनका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. यहाँ तक का काम रिक्रूटमेंट में होता है. आगे का काम है हमारा सिलेक्शन. तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है. सिलेक्शन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट्स है उसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें पूरी स्क्रीनिंग की जाती है. नेक्स्ट होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट. इसमें क्या होता है, सिलेक्शन से पहले उसका टेस्ट लिया जाता है. वो टेस्ट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी आईक्यू टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल टेस्ट हो सकता है, नॉलेज टेस्ट हो सकता है, परफॉर्मेंस और वर्क सैंपल टेस्ट हो सकता है. डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है प्रोसेस फॉलो हो, लेकिन जो MNC और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें टेस्ट भी लिया जाता है. तो इसमें क्या होता है, उसका IQ लेवल चेक किया जाता है. इसमें हम जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और GK के जो क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ उसके जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछते हैं, ठीक है. तो अगर वो ये टेस्ट पास कर लेता है, नेक्स्ट होता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन. फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसका एक तरह से मेडिकल किया जाता है, या आप कह सकते हैं हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि वो पूरी तरह से फिट है या नहीं है, या फिर उसको कोई किसी तरह की डिज़ीज़ या कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है. क्योंकि अगर कोई डिज़ीज़ या कोई बीमारी होती है तो उससे क्या है, जो वहाँ पर वर्किंग एम्प्लॉयज़ है पहले से, उनको भी वो बीमारी हो सकती है. तो जो फिज़िकली और मेंटली फिट है वो सिलेक्ट किया जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है. और लास्ट में होता है मेकिंग द सिलेक्शन. इसमें मेकिंग द सिलेक्शन में क्या होता है, जब कैंडिडेट सारे टेस्ट पास कर लेता है तो उसका सिलेक्शन किया जाता है. जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद उसका जो पूरा नेगोशिएशन हो जाता है पैकेज पे, और उसको लास्ट में कंपनी की साइड से एक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है
ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर ये भेजा जाता है, ठीक है। तो उसको वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था स्टाफिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर सिलेक्शन क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि उसको ट्रेनिंग देना, कॉम्पनसेशन देना, ठीक है, और अप्रेजल देना। तो ये अभी तीन प्रोसेस रह गए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो हम अपनी लास्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।